10 लाख रुपए 5 लाख रुपए तुम्हारे घर वालों से मांग के दिलाओ मेरे को बोल के डिमांड कर रहा था। कौन डिमांड कर रहे थे आपको? कि आपसे डिमांड करो बोल के। हाँ, बच्ची को प्रेशर डाल रहा था भाई। तो आपकी बच्ची खुश नहीं थी शादी से? वो नहीं थी भाई, नहीं थी। मैं जैसे ना आउट ऑफ था, आने के बाद में बुला के बातचीत करूंगा बोला, कल ऐसा होगा देखो आप। मैं शादी से पहले सब अच्छा था, 27 डेज हुआ खाली अभी, पूरा जो सोना 11 लाख 12 लाख रुपए लगा के शादी करा भाई, तो डिनर के साथ 1000 आदमी। कल ये वाकया एग्जैक्ट टाइम कब हुआ था ये? मेरा बच्चा जो सो ना कल नमाज के बाद में 2 बजे 2:30 बजे वहाँ था। अब इससे पहले कब हुआ मुझको आइडिया नहीं है, बच्चा गया तो मालूम पड़ा। सबसे पहले कौन गए थे भाई वहाँ? मेरा बेटा गया था भाई। भाई ये वाकया क्या वजह से हुआ सो ये? भाई मेरा नाम अजीज अहमद नाम है, मेरी बच्ची का नहीं शादी करके मैं 27 डेज हुआ, बोला इसको टॉर्चर कर रहे थे, फोन पे भी बात नहीं करा रहे थे, हरासमेंट कर रहे थे इसको और डिमांड कर रहे थे पैसों का। और कल जो है सो ना मेरा बच्चा 26 नवंबर था, तो मेरी बच्ची का बर्थडे था, बच्ची फोन नहीं उठा रही, बच्ची से बात नहीं करा रही, बोल के बच्चा कल नमाज के बाद में केक लेके गया इनके घर को, बहन को विश करेंगे बोल के वहाँ गया, तो जो सोना इसको ना वो बहन के से मिलने नहीं दी, नीचे बैठो बैठो बोल के बिठा दिए, 15-20 मिनट इसको वेट कराया भाई। वेट कराने के बाद में इसके बाद में जो सो ना इसका देवर आके क्या बोल रहा मालूम है बच्ची का, अरे तुम्हारे भाई तुम्हारी बहन जो सो ना ऐसा कर लिए बोल के हमारी बच्चे को बोलते, हमारा बच्चा एकदम बौरान हो गया, परेशान हो गया। इन्हें जो सो ना फिर ऊपर से लाना सास ससुरे और जो सो ना इसका देवर वो सब्जी ने मिलकर हमारा बच्ची को जैसा हमारी नीचे ले लेके आए, इन्हें फांसी लगा ली। वैसा उनको रोके कौन भाई वो नीचे? ये लोग रोके, घर वाले रोके, देवर रोका, ससुरा रोका और इनकी सास भी, बच्चे को जाने नहीं दिए मेरे ऊपर। रोकने की वजह मालूम आपको? रोकने की वजह ये थी कि क्या बोले, डर था, खौफ था उनका भाई, फिर कहेगी ऊपर से ले लेके आ रहे थे स्टेडियम पे। और 1 महीने से जो सो ना हमारे को जो सो ना बच्ची से बात नहीं कराते रहे, और हमारी बच्ची के सामने ने बोला कहते भाई मेरे को बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करना है, शादी में बहुत खर्चा होगा, मेरे को 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए तुम्हारे घर वालों से। भाई आपका नाम? भाई मेरा नाम कलीम है, मैं शाफिया फातिमा का भाई हूँ। मैं कल बर्थडे था बोल के गया था सरप्राइज देने के लिए, लेकिन पहले विश करे तो जवाब भी नहीं आया मेरे को SMS में, हैप्पी बर्थडे शाफिया हुआ तो SMS का जवाब नहीं आ गया, मैं चले जाएंगे बोल के अचानक गया मैं नमाज पढ़ लेके, पौने 3-3 बजे रहते था वहाँ गए तक। अब उनकी सास ऊपर सास बोली बिठा दी, दरवाजा खोल के बिठा दिए मेरे को, आ रहे तुम्हारे बहन आ रहे बैठो बोली 10-15 मिनट वहाँ बिठा दिए मेरे को, वेस्ट कर दिया 10-15 मिनट मेरे। फिर ना अचानक गए तो उनके उनका जो देवर है नीचे तो उतर के मेरे को रोक लिया, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ तो भी, अरे कांदा रे भाई बोल के ऐसा हो गया भाई तुम्हारी बहन के साथ ले, तो मैं बोला क्या हुआ भाई ऐसा कहता क्या हुआ, तो बोल के हाँ तुम भाई लेके आ रहे, तो देखा मैं उनके ससुरे साहब बस। क्या टाइम पे हुआ भाई? भाई ये 3:45 बजे थे वहाँ पर, बस 3:10-11 बजे थे, पहले कब हुआ नहीं मालूम मेरे, इससे पहले रुका दिया वहाँ पर रुका ही दिया मेरे को। मारने की वजह आपको कुछ मालूम? मेरे को कुछ भी नहीं मालूम भाई, मैं खाली लेके आ रहे थे देखा बस। तो आप हुकूमत से क्या चाह रहे हैं भाई? मैं इंसाफ सुना, इंसाफ होना हमारे हुकूमत से, KCR साहब से सबसे ज्यादा सजा होना हमारे साहब से। रेन बाजार PS में कुछ एक्शन लिए बोलते क्या आपको? ECB साहब तो कमिटमेंट करे हमारे को, हम जो सोना आपके साथ में इंसाफ करेंगे बोले कमिटमेंट करे नो, अब हम जो सोना इंतजार देख रहे हैं पुलिस हमारे साथ क्या इंसाफ करती, कानून क्या इंसाफ, रिजल्ट देता हूँ बोले साहब।